इस न्यूज के प्रायोजक है मेट्रो, बाइक, कार, ट्रक, इन्वर्टर, बैटरी, सेल्स एंड सर्विस सेंटर, वापी चार रास्ता, कॉन्टेक्ट 8000036001। भाई जुड़े हैं जो इन्होंने जहाँ पर चेकपोस्ट पे पकड़े गए, इन्होंने हेलमेट नहीं पहना है। बता दूं कि ये गुजरात पुलिस के हैं और इन्होंने जब इनको पकड़ा तो वो दिखा रहे ये कार्ड, आप मेरे साथ ये कार्ड देख सकते हैं कि इन्होंने ये कार्ड इनको दिखाया और कहा कि हम ड्यूटी पे हैं, हमको हेलमेट के बगैर घूमना परमिटेड है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये कैसी दोहरी राजनीति है कि कुछ अधिकारी अपने अधिकार का एक्स्ट्रा फायदा उठाते हैं और बोलते हैं कि हमारे लिए सब जायज है, जबकि ये गलत है, ये नाजायज है। रूल सेट है जो सबके लिए है, वो भले उच्च अधिकारी हो या ग्राउंड लेवल के जीरो लेवल के अधिकारी हो, सबके लिए रूल सेट है, या आम जनता हो, सबके लिए यहाँ रूल सेट है। बता दूं कि कई बार ऐसे एलिगेशन भी लगते हैं कि वो एक डिपार्टमेंट के तो उन लोग को छोड़ा जाता है, तो आप मेरे साथ देख सकते हैं कि ऐसा नहीं होता है। इन भाई को मेहुल भाई इनका नाम है, इन्होंने हमको यह कार्ड भी दिखाया है, ये यहाँ पर हेलमेट की वजह से रोके गए हैं और अब इनका चालान भी पड़ा जाएगा। जी क्या है ये क्या चीज़ है? मैडम हम लोग तालीम में जाते हैं सुबह 5 बजे, इसीलिए हमारा तालीम चल रहा है। हेलो भाई, ओए भाई, साइन कर। 500 रुपये। चलान काटना हमारा मकसद नहीं, जनता जनार्दन की सेफ्टी हमारा मिशन है। जी हाँ, मैं सोनिया चौहान आज दादरा नगर हवेली चेक पोस्ट पर खड़ी हूँ, जहाँ आप मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ एक रूटीन चेकिंग हेलमेट सीट बेल्ट की चल रही थी। वहीं एक युवक बाइक पर सवार बिना हेलमेट के पकड़े गए। पूछने पर उन्होंने कहा कि मैं गुजरात पुलिस का ट्रेनी हूँ और उन्होंने अपना आईडी कार्ड दिखाया, जिसके चलते यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने उनका चालान काटा और कहा रूल इज़ फॉर ऑल, कोई भी हो, सेफ्टी इज़ हमारा फर्स्ट मिशन। भले वो कोई आम जनता हो या अधिकारी हो या कोई उच्च अधिकारी, सेफ्टी हमेशा हमारा मिशन रहा है। कृपया हेलमेट पहने और अपनी लाइफ की रक्षा खुद करें। पर ये जो अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए जनता को जागरूक करने का एक अवेयरनेस था कि अक्सर हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं और अपनी लाइफ की रक्षा खुद करें।